Now next reaction is Arndt-Eisteddt homologation reaction. Arndt-Eisteddt homologation reaction में जिसमें किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की लेंथ को एक कार्बन से इंक्रीज कर देते हैं, जैसे आप यहाँ रिएक्शन में देख रहे हैं कि RCOH को मैंने RCH2COH में कन्वर्ट किया। होमोलोगेशन रिएक्शन का मतलब कि किसी कंपाउंड की लेंथ को एक कार्बन से इंक्रीज किया जा रहा है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन SOCl2 से कराएं, फिर डाइजोमीथेन से कराएं, फिर उसकी हाइड्रोलिसिस कैटलिटिक हाइड्रोलिसिस सिल्वर ऑक्साइड के प्रेजेंस में करा दें तो RCOH RCH2COH में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ हमें देखना है कि रिएक्शन कैसे होता है और इस रिएक्शन की मैकेनिज्म कैसे होती है। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, पहले स्टेप में क्या होगा कि RCOH SOCl2 से रिएक्ट कर लेगा, दिस इज RCOOH, और RCOH SOCl2 से रिएक्ट करके RCOCl में कन्वर्ट हो गया इस तरीके से, दिस इज RCOCl। अब इस पर डाइजोमीथेन जाके रिएक्ट कर लेता है। डाइजोमीथेन इज CH2N2, CH2N2 का स्ट्रक्चर ऐसा CH2-N2+। अब CH2- इस पर जाके अटैक करता है, Cl लीविंग ग्रुप की तरह निकल गया इस तरीके से। अब Cl जब लीविंग ग्रुप की तरह निकल गया तो अपने को मिल गया दिस इज RCOCH2, CH2 को मैं ऐसे लिख दूं, एंड दिस इज N2+। अब N2+ एक माइनस M ग्रुप है और CO भी एक माइनस M ग्रुप है, और दो माइनस एम ग्रुप के बीच जो हाइड्रोजन होता है वो हाईली एसिडिक होता है। यहाँ से Cl- निकला, अब जो Cl- निकलता है वो Cl- इस एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्ट कर लेता है। दो माइनस एम ग्रुप के बीच जो हाइड्रोजन सेचुएटेड है वो हाईली एसिडिक होता है। अब जब यहाँ से HCl निकल गया, ये माइनस HCl, नाउ अब जो मिला दिस इज RCOCH-N2+, ऐसे बन गए। अब RCOCH-N2+ फाइनली C OH CH एंड R में कन्वर्ट हो जाता है, और इसका इसमें कन्वर्जन स्लो स्टेप होता है। अब ये इसमें कन्वर्ट कैसे हुआ, ये एक लंबा प्रोसेस है, उसको मैं इधर डिस्कस करता हूँ। नाउ दिस इज RCOCH-N2+। N2 इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, तो N2 लीविंग ग्रुप की तरह निकल गया। N2 इलेक्ट्रॉन, अब इस कार्बन के पास अभी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप देखिए 3 सिग्मा बॉन्ड्स और एक नेगेटिव चार्ज, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन यहां पर है। N2+ निकला तो एक कार्बीन में बदल गया ऐसे, दिस इज RCOCH और न्यूट्रल कार्बीन में बदल गया। अब जब एक कार्बीन, क्योंकि N2 निकला तो यहां प्लस आया और प्लस माइनस न्यूट्रल होकर लोन पेयर में बदल गया, कार्बीन बन गया। अब कार्बीन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, कार्बन के ऑक्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो R ने अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिया। जब इस कार्बन को दे दिया तो ऐसे बन गया कि C OH, दिस इज CH एंड दिस इज R। अब R ने जब इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो इस कार्बन पे माइनस आ गया, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो प्लस आ गया। अब ये प्लस माइनस मिलकर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया ऐसे, नाउ C OH CH एंड R। तो ये सब हमने एक स्टेप में इधर लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पहले क्या होगा, N2 ऐसे निकलेगा, कार्बीन बनेगा, तो R इसको इलेक्ट्रॉन देगा और ये प्लस माइनस मिलके कार्बीन बना लेंगे, जो कि यहाँ पर आपको ये जो सब होता एक साथ है उसको स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझा दिया। अब ये इस तरह से कीटीन में कन्वर्ट हो गया। अब इस पर वाटर का रिएक्शन हो जाता है, हाइड्रोलिसिस हो जाती है, यहाँ पर कैटलिटिक हाइड्रोलिसिस जो Ag2 और H2O के प्रेजेंस में है। वाटर इस पर अटैक करता है, दिस इज H2O, O पर दो लोन पे, O ने CO पर अटैक किया, O पे माइनस आ गया, ऐसे बन गया। नाउ दिस इज CO-CH एंड R, दिस इज OH, O पे प्लस, O प्लस ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, H+ निकला और H+ जाके इससे जुड़ गया, नाउ इस तरह से बन गए, दिस इज OH, दिस इज OH, डबल बॉन्ड CHR, अब इनॉल बन गया। अब इनॉल कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा, नाउ दिस इज OH, डबल बॉन्ड O, दिस इज CH2,
एंड दिस इज आर, नाउ दिस इज आर सी एच टू सी एच। आप देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड की लेंथ है कार्बन से इंक्रीज हो गई। आप यहां देखें कि हमने डाइजोमीथेन के 2 मोल का रिएक्शन कराया था, तो डाइजोमीथेन 1 मोल तो यहां पर कंज्यूम हो गया। जो दूसरा डाइजोमीथेन यूज होता है वो इस HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए होता है। देखो HCl एसिडिक है तो रिएक्शन में फर्दर इंटरफेयर ना करे, इसलिए इस HCl को हम न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें डाइजोमीथेन का 2 मोल मिला देते हैं, जिससे HCl न्यूट्रल हो जाता है। सो दिस इज हाउ ऑन डाइस्टर्ड होमोलोगेशन रिएक्शन टेक प्लेस। अब जैसे ये एसिटिक एसिड है CH3COH और हमें एसिटिक एसिड को प्रोपेनोइक एसिड में बदलना है CH3CH2COH, तो हम यही सारे स्टेप फिर से रिपीट करेंगे। सबसे पहले इस पर SOCl2 का रिएक्शन, फिर इस पर डाइजोमीथेन का रिएक्शन, फिर इस पर कैटलिटिक हाइड्रोलिसिस Ag2H2 का रिएक्शन करा दिए, तो लेंथ एक कार्बन से इंक्रीज हो गई। ये बेंजोइक एसिड है, इसकी लेंथ अगर एक कार्बन से इंक्रीज करनी है यही सारे केमिकल रिएजेंट्स यूज कर लेंगे। नाउ दिस इज PHCH2COH। और ऑन डाइस्टर्ड होमोलोगेशन रिएक्शन के दौरान कंपाउंड की जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो मेंटेन रहती है, मींस रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। जैसे अगर ये CH3 है, H है, ये PH है, नाउ दिस इज CH2COH, दिस इज CH3, H एंड PH। एक कार्बन से लेंथ इंक्रीज हो गई, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो गया। सो दिस इज हाउ ऑन डाइस्टर्ड होमोलोगेशन रिएक्शन टेक प्लेस। जैसे एक रिएक्शन और आपको हम बताते हैं जिसमें कि दिस इज CH एंड दिस इज CH3, सेम सारे केमिकल रिएजेंट्स हमने यूज कर लिए। दिस इज CH3 एंड दिस इज नाउ CH2COH। सो जिस पोजिशन पर CH होगा वहीं पर प्रोडक्ट आएगा। अब एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर हाइड्रोलिसिस में एक Ag2 के साथ अगर वाटर की जगह अगर अल्कोहल दे दिया जाए, सपोज जैसे एक रिएक्शन ऐसे है CH3CH2COH, इस पर SOCl2 का रिएक्शन, देन डाइजोमीथेन का रिएक्शन, देन हाइड्रोलिसिस के लिए Ag2 के साथ CH3OH ले लिया, तो पहले तो कंपाउंड की लेंथ एक कार्बन से इंक्रीज हो गई। वो ऐसे यहां पहले 2 कार्बन थे, अब 3 कार्बन हो गए और यहां OH की जगह OCH3 आ जाएगा, मेथेनॉल का OCH3। अगर इसी तरह Ag2 के साथ अमोनिया दे दी जाए, नो SOCl2, सेकेंड इज डाइजोमीथेन हमने ले लिया CH2N2, एंड थर्ड Ag2O के साथ अमोनिया ले लें। नाउ लेंथ तो एक कार्बन से इंक्रीज हो गई बट CONH2 आ जाएगा। तो हाइड्रोलिसिस के लिए जैसे हमने वाटर लिया था तो वाटर का OH आता था, एल्कोहल लिया तो उसका OR वाला पार्ट आ गया, अमोनिया लेंगे तो NH2 आ जाएगा। सो दिस इज हाउ आर डाइस्टर्ड होमोलोगेशन रिएक्शन टेक प्लेस, जिसमें कि कार्बीन इंटरमीडिएट बनता है और वो जो कार्बीन इंटरमीडिएट बनता है वही उस रिएक्शन का स्लो पार्ट होता है।